पूर्णिया के पुरनदेवी मंदिर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा, इसकी पहल शुरू कर दी गई है। आने वाले समय में पुरनदेवी मंदिर की ख्याति दूर दूर तक पहुंचेगी। इसी के मद्देनजर बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि पर्यटन विभाग की अधिकारियों की टीम के साथ सांसद संतोष कुशवाहा सिटी स्थित माँ पुरनदेवी मंदिर पहुँचे। पुरनदेवी मंदिर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की बात कृष्ण कुमार ऋषि ने कही। सर्वप्रथम पुरनदेवी की पूजा अर्चना की गई, जिसके लिए वर्तमान सांसद संतोष कुशवाहा को धन्यवाद दिया। उनके आग्रह पर ही उन्हें माता की पूजा अर्चना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पुरनदेवी मंदिर परिसर में मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि लगभग 1.5 करोड़ की योजना मंदिर में पर्यटन विभाग की ओर से चल रही है, जिसका विधिवत उद्घाटन 1 माह के अंदर किया जाएगा। मंदिर परिसर में पार्क तालाब का निर्माण, सौंदर्यीकरण, पर्यटकों को समुचित सुविधा मिल सके इसके लिए गेस्ट हाउस का भी निर्माण करवाया जाएगा। पूर्णिया का नाम पर्यटन में अंतर्राष्ट्रीय फलक पर पहुंचे, इसके लिए प्रयासरत हैं। पर्यटन मंत्री ने अन्य योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि कामाख्या स्थान में 1 करोड़ की प्राकृत राशि से शुरू करने की योजना है। बनमनखी के सिकलीगढ़ धरहरा में भक्त प्रहलाद की तथा भोले बाबा की मूर्ति का मुआयना भी पर्यटन अधिकारियों के साथ किया। सांसद संतोष कुशवाहा ने प्रेस वार्ता में पर्यटन मंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि कृष्ण कुमार ऋषि के प्रयास से पूर्णिया की गिनती भी पर्यटन स्थलों में पहुंच जाएगी। पूर्णिया भी इस पहल से देश दुनिया के मानचित्र पर आ जाएगा। कम्युनिटी हॉल, कार पार्किंग भी बनाया जाएगा। बिजली पानी की समुचित प्रबंध की जाएगी। पर्यटन स्थल के रूप में पूर्णिया विकसित हो, इसके लिए मंत्री के सहयोग से राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजकर पूर्णिया को पर्यटन हब बनाने का पूर्ण प्रयास करेंगे। भाजपा जिलाध्यक्ष प्रफुल्ल रंजन वर्मा ने पर्यटन मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि, सांसद संतोष कुशवाहा को धन्यवाद देते हुए कहा कि पूर्णिया के विकास की सोच के तहत काम करने वाले युवा विजन से दोनों जनप्रतिनिधियों को पर्यटन स्थल के रूप में पुरनदेवी को विकसित करने से नेपाल तथा बंगाल के पर्यटकों के लिए पूर्णिया पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित होगा। पुरनदेवी मंदिर से वापसी के क्रम में मंत्री तथा सांसद ने संयुक्त रूप से श्री धाम सेवा समिति द्वारा निर्माणाधीन साई मंदिर का भी निरीक्षण किया। मंदिर कमेटी के सदस्यों से मिले तथा उसके बाद सौरा नदी तट पर स्थित काली सिटी मंदिर में पूजा अर्चना की। सौरा नदी बचाओ अभियान के सदस्यों के आग्रह पर पर्यटन मंत्री तथा सांसद ने सौरा नदी तट का भी निरीक्षण किया। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद थे।